5। बीते समय में जाने वाला टिटिपो। सुबह देर से जागने की वजह से टिटिपो हड़बड़ी में स्टेशन जा रहा है। बहुत देर हो गई। सभी को हेलो। ओह चलो आए तो सही, इतना लेट कैसे हो सकते हो तुम? सबसे इंतजार कर रहे हम तुम्हारा। ओह माफी चाहता हूँ। ठीक है हम चल रहे हैं। अगर मुझे समय पर पहुँचना है तो दौड़ना पड़ेगा। जल्दबाजी में टिटिपो लापरवाही कर गया। हम स्टेशन पहुँच गए। अरे ये कौन सा स्टेशन है? अरे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या क्या अरे नहीं, मैं गलत स्टेशन पर आ गया। क्या कहा, गलत स्टेशन? अब तो मैं लेट हो ही जाऊंगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं गलत पटरी पर चलाया। अब आपको ठीक स्टेशन पर ले जाता हूँ। काम के बाद टिटिपो चूचू शहर वापस आ गया। टिटिपो, सुबह तुम गलत स्टेशन पर क्यों चले गए थे? वो जल्दबाजी में दूसरी पटरी पर चला गया, माफी चाहता हूँ। ध्यान रहे ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है, शायद मुझे यात्री लाने ले जाने के लिए बनाया ही नहीं गया। ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मैं गलतियाँ करता रहता हूँ। टिटिपो, गलतियाँ सबसे होती हैं बेटा। आपको छोड़कर आप कभी गलती नहीं करते। मैं भी करता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे इतनी गलतियाँ होती थी कि एक बार परेशान होकर मैं नौकरी छोड़ने लगा था, लेकिन तब एक रेलगाड़ी ने हौसला बढ़ाकर मेरी मदद की। वो कौन सी रेलगाड़ी थी? अगर मुझे ठीक से याद है। फोन बज रहा है। सॉरी टिटिपो, बाद में बात करेंगे। जरूर। अपना मन शांत करने के लिए टिटिपो ताज़ा हवा खाने निकल पड़ा। मिस्टर हब गलतियाँ किया करते थे, मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। क्या इस रास्ते पर पहले सुरंग थी? मुझे तो याद नहीं यहाँ सुरंग थी। वो क्या है? अभी क्या हुआ था? बहुत अजीब सुरंग थी। ये स्टेशन अलग सा क्यों लग रहा है? अरे ये तो मिस्टर स्टीम है। मिस्टर स्टीम, कैसे हैं आप? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। मिस्टर स्टीम, मैं टिटिपो हूँ, याद आया? टिटिपो, मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले हैं। क्या? ये तो बहुत जवान लग रहे हैं। मिस्टर स्टीम, आप इतने अलग क्यों लग रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? खैर देर हो रही है, मुझे अभी काम पर जाना है। काम पर? बहुत अजीब बात है। वाओ। देखो मॉम, कितनी सुंदर रेलगाड़ी खड़ी है यहाँ पर। देख रही हूँ। हेलो, तुम्हें रेलगाड़ियाँ पसंद हैं? बहुत पसंद है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक रेल मैकेनिक बनूंगा। बहुत बढ़िया, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। ठीक, घर चलें बेटा। बिल्कुल, चलिए चलते हैं मॉम। एक मिनट रुको, क्या तुम्हारा नाम है टियो? हाँ टियो। टिटिपो, क्या सच में तुम टियो हो? हाँ, तुम मुझे जानते हो? ओह नहीं, नहीं जानता। गुड बाय टियो। ठीक है, बाय। चलो। स्टीम की तरह टियो की उम्र भी कम हो गई। ये सब क्या हो रहा है? चूचू शहर देख कर आता हूँ। टिटिपो उस तरफ चल पड़ा जहाँ शहर होना चाहिए। वाह, चूचू शहर भी बदला हुआ है। हर्बी। हाँ? अब ये हर्बी कहाँ चला गया? मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है। हर्बी? आज फिर से देर हो जाएगी। क्या इसका मतलब है मिस्टर हर्ब? ओ, क्या ये सच में मिस्टर हर्ब है? सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। ओह, मिस्टर हर्ब भी जवान लग रहे हैं। स्टीम, टियो और अब मिस्टर हर्ब, सबकी उम्र कम हो गई है। अब समझा, मैं पिछले समय में पहुंच गया। हर्बी, हमेशा क्यों देर से आते हो तुम? सॉरी,
नींद देर से खुली है आज। अब जल्दी बताओ मुझे जाना कहाँ है। ठीक है देखता हूँ। तुम्हें आज जाना है। ओ, गिर गए। तुम फिर से देर करवाओगे। ओ, तुम्हें जाना है। मेरे ख्याल से बंदरगाह जाना है। ओ हर्बी। मिस्टर हब सच में गलतियां करते थे। टिटीपो टिटीपो। मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मिस्टर हब। ओ मेरा मतलब हबी। गुड मॉर्निंग। हेलो। मुझे नहीं लगता हम कभी मिले हैं, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नाम मैं दूसरे शहर से हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है हबी। अच्छा ये बात है। हबी। हाँ बोलो बताओ क्या बात है। तुमने मुझे गलत जगह भेज दिया। ओ अरे बंदरगाह नहीं इंडस्ट्रियल एरिया जाना था मुझे। तुम्हें पक्का पता है? ओ, 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 ठीक कह रहे हो। अब तुम्हारी वजह से फिर देर होगी। मैं माफी चाहता हूँ। आज फिर गलतियाँ हो रही हैं। बेचारा हबी। अगर काम पूरा हो गया हो तो झील के किनारे चलोगे, इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? हाँ सोचो मत आ जाओ। टिटीपो हबी को पास की एक झील के किनारे ले गया। यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम किसी बात से परेशान हो? हाँ मैं सोच रहा हूँ नौकरी छोड़ दूँ। छोड़ दूँ? लेकिन लेकिन क्यों? मुझसे गलतियाँ हो रही हैं और शिफ्ट गड़बड़ा जाती है। ओ हबी। टिटीपो गलतियाँ तो सबसे होती हैं बेटा। हिम्मत मत हारो क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। जानता हूँ लेकिन उतनी नहीं जितनी मुझसे। मेरे शहर के ट्रेन मास्टर भी बहुत गलतियाँ किया करते थे, लेकिन अब वो सबको चुटकियों में संभाल लेते हैं। अच्छा तुम्हें लगता है मैं भी उनके जैसा काम करने लगूंगा? मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया। ठीक है मैं और मेहनत करूंगा। अरबी अरबी स्टीम बोल रहा हूँ। स्टीम कहो क्या बात है? मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था तभी अचानक पता नहीं क्यों मेरे पहिए जाम हो गए। अब मैं क्या करूँ? क्या तुम जहाँ हो वहीं रुके रहो, मैं अभी पहुँचता हूँ। स्टीम खराब हो गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हें लगता है मैं उसे संभाल लूंगा? क्यों नहीं तुम संभाल लोगे, अपने पर विश्वास रखो हबी। हाँ तुम ठीक कहते हो, जल्दी स्टीम के पास चलो। ठीक है। स्टीम तुम ठीक हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं जरा भी नहीं चल सकता। यात्री इंतजार कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं तुम निश्चिंत रहो, मैं सर्विस ट्रेन बुलाता हूँ। अच्छा ठीक है। स्टीम खराब हो गया है, क्या तुम अभी आ सकते हो? हाँ मैं अभी पहुँचता हूँ थोड़ी देर में। वाह ऐसे मिस्टर हब को ही मैं जानता हूँ। सर्विस ट्रेन अभी आ रही है, चिंता मत करो स्टीम। ठीक है हर्बी, लेकिन मेरी शिफ्ट का क्या होगा? मुझे तुम्हारी जगह किसी और को भेजना होगा। समझ गया। सुनो क्या तुम स्टीम की जगह जाओगे? मैं तुम्हें जगह बता दूंगा। जरूर क्यों नहीं। चलो चलते हैं। अब अगले चौराहे से सीधे हाथ वाली पटरी पर आ जाओ। ठीक है। टिटीपो और हबी मिलकर स्टीम का काम संभाल रहे हैं। चलो पहुंच गए। सभी को बाय बाय। गुड बाय। आपका दिन अच्छा हो। आपका भी। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैं गलतियाँ करता रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी शिफ्ट में कोई परेशानी नहीं हुई। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है सब कुछ ठीक हो गया। शुक्रिया। अब से मैं बहुत मेहनत करूँगा ताकि एक दिन मैं एक बड़े शहर का स्टेशन मास्टर बन सकूँ। वाह। हाँ मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हाँ अब रेलगाड़ियाँ वापस आने वाली होंगी। हाँ समय कितना जल्दी बीत गया, मुझे वापस चलना चाहिए हबी। ओ जा रहे हो, क्या हम दोबारा कभी मिल पाएंगे? क्यों नहीं जरूर मिलेंगे, मुझे विश्वास है हम बहुत जल्दी मिलेंगे हबी। अच्छा ध्यान से जाना, मदद के लिए शुक्रिया। बाय बाय हबी। गुड बाय। ओ मैं भूल गया, एक मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता है। Oh,
समय में लौट आया। चूचू शहर जाकर देखता हूँ। अरे वाह, ये है चूचू शहर। मैं वापस आ गया। मिस्टर हब। ओ टीटीपो, आज तो बहुत जोश में लग रहे हो। हाँ, आगे से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँगा और एक शानदार रेलगाड़ी बनूंगा। बहुत बढ़िया। ये बताओ, तुम में अचानक ये बदलाव क्यों आया है? मैंने देखा एक आदमी जो हमेशा गलतियाँ किया करता था, अपनी मेहनत से कैसे कामयाब हुआ। अच्छा, कौन है वो? कोई ऐसा है जिसे मैं भी जानता हूँ? मैं नहीं बता सकता। ये एक राज है। शैतान कहीं का। अपनी मेहनत से टीटीपो एक शानदार रेलगाड़ी बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर हर्ब एक अच्छे ट्रेन मास्टर बने। डीजल के लिए एक खास दिन। चूचू शहर में बर्फबारी हो रही है। वाव, बर्फ गिर रही है। हाय डीजल। ओ, हाय टीटीपो, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। कल हम सब क्रिसमस मनाएंगे। ये पता नहीं कल मुझे क्या तोहफा मिलेगा। तोहफा? तुम्हें कोई तोहफा मिलेगा भी? तुम कहना क्या चाहते हो? ये तो सभी जानते हैं, सिर्फ अच्छी रेलगाड़ियों को तोहफे मिलते हैं। क्या बोले? मुझे जाना है, बाद में मिलते हैं डीजल। रुको जरा, ये मजाक की बात नहीं है टीटीपो। डीजल। ओ जी मिस्टर हब। याद है ना आज तुम्हें जांच के लिए जाना है? जी सर। तो अभी जाओ और इस काम को भी निपटा दो। जी सर। डीजल अपनी जांच करवाने के लिए प्रोडक्शन प्लांट जा रहा है। तो उसे लगता है कि मुझे कोई प्रेजेंट ही नहीं मिलेगा। बैह, उसे क्या पता। हेलो डीजल। क्या तुम नहाए नहीं हो? नहीं, मेरे हिसाब से इतना ही साफ रहना चाहिए। सॉरी डीजल। तुम हो डरपोक बिल्लू। डीजल, तंग करना बंद करो। शायद मुझे सच में प्रेजेंट नहीं मिलेगा। कैसे होती हो? तुम आ गए डीजल, आज तुम कुछ उदास से लग रहे हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे प्रेजेंट नहीं मिलेगा। हाँ? क्यों? इस साल मैंने अच्छे काम नहीं किए ना, इसलिए। ऐसी बात नहीं है, इसकी इतनी चिंता मत करो डीजल। ठीक है। जांच के बाद डीजल वापस चूचू शहर जा रहा है। ओ, ये अजीब सी आवाज कैसी है? ओ, ये तो रेलगाड़ी जैसी लग रही है। ओ, पर ये तो उड़ रही है। विश्वास नहीं होता। ओ, ये नीचे आ रही है। चलकर देखता हूँ। खराब हो गया, इसको ठीक करने में समय लगेगा। अब क्या करें? माफ कीजिएगा। हाँ? आप अभी आसमान में उड़ रहे थे, देखा मैंने। लगता है हम पकड़े गए। देखो, माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारी मदद कर दोगे? क्या कहा, मदद? हमारा इंजन खराब हो गया है, क्या तुम हमें खींच कर ले जाओगे? मैं शुक्रगुजार रहूंगा। जरूर, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने जोड़ लिया, अब आप बैठ जाइए। शुक्रिया। ठीक है, अब हम चलते हैं डीजल। ठीक है, हम चलते हैं। पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला सर? पता करने के हमारे तरीके हैं। कंडक्टर के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। जी सर। ओ, दाहिनी तरफ मुड़ जाओ। दाहिनी तरफ? इतने घने जंगल में ये इमारत कैसी? वाह, ओह, कितनी ऊंची है। बाहर से तो बहुत छोटी लग रही थी ये। डीजल, बस यहीं रुक जाओ। ठीक है। वाह, कितने सारे कंटेनर्स रखे हैं। ये सब मुझे लेकर जाने थे, लेकिन इस हालत में कैसे ले जाऊंगा? आपकी जगह मैं ले जाता हूँ।
ओह कितने अच्छे हो। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। ये एहसान नहीं भूलूंगा। अरे ऐसा मत कहिए। ठीक है अब सामान रखना शुरू करते हैं। ठीक है। डीजल ने उनकी मदद करने का फैसला किया। टीटीपो टीटीपो। तो सर हमें जाना कहाँ पर है? ओह मैं तो बताना ही भूल गया, ये सब हमें आज रात तक नॉर्थ पोल तक पहुँचाने हैं। नॉर्थ पोल? हाँ बिल्कुल। अरे वो तो बहुत दूर है, हम समय पर नहीं पहुँच पाएंगे सर। तुम चिंता मत करो, मुझे तरीके पता हैं। तरीके? ये क्या हो रहा है? मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। मैं उड़ रहा हूँ। उड़कर जाएंगे तो हम नॉर्थ पोल पर आज रात तक पहुँच जाएंगे। आप कौन हैं और आपने ऐसा कैसे किया, मैं उड़ने कैसे लगा? ये सब मत सोचो, नजारों का मजा लो। नजारे? वाओ कितना सुंदर है सब। अब इस रास्ते पर हवा की रफ्तार से चलो। ठीक है। डीजल उड़ता हुआ नॉर्थ पोल जा रहा है। वाह वाह कितना अच्छा है। डीजल जी अब वापस नीचे की तरफ चलो। ठीक है। वाह वाह तो तुम पहुंच ही गए, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हम पहुंच गए सर। शाबाश डीजल। तो ये कौन सी जगह है सर? ये सेंटा विलेज है। क्या? हम यहाँ दुनिया के सभी सेंटास के लिए क्रिसमस प्रेजेंट्स लेकर आए हैं। ओह ये तो कोई दूसरी ट्रेन है। ट्रेन खराब होने का सुना तो मुझे चिंता होने लगी, लेकिन ये ट्रेन वक्त पर हमारी मदद के लिए तैयार हो गई। ओह ये सब वो प्रेजेंट्स हैं जो हमने बच्चों को क्रिसमस पर देने हैं। तुम्हारा शुक्रिया डीजल। कोई बात नहीं है। आपको मेरा नाम कैसे पता है सर? हम सेंटास को बच्चों का चेहरा देखकर उनका नाम पता चल जाता है। अच्छा। हमें बहुत दूर जाना है इसलिए अब ये सारा सामान लेकर हम चलते हैं। जी ठीक कहा। अगले साल फिर मिलेंगे। गुड बाय। ध्यान से जाना मेरे दोस्तों। वो सारे गिफ्ट्स वहाँ उतार लिए गए और उनकी जगह डीजल के देश के बच्चों के लिए दूसरे गिफ्ट्स रख दिए गए। अब तुम जा सकते हो। ठीक है। गुड बाय, ध्यान से रहना। गुड बाय, अपना ध्यान रखना। डीजल अब हमें चलना चाहिए। ठीक है तो चलो वापस चलते हैं। मेरी क्रिसमस डीजल। फिर से ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर डीजल सांता विलेज से निकल पड़ा है। विश्वास नहीं हो रहा कि मैं क्रिसमस के तोहफे ले जा रहा हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है। पूछ लो। क्या सिर्फ अच्छे बच्चों को ही सेंटा से क्रिसमस के तोहफे मिलते हैं? ऐसा ही है। मैं सबको इतना तंग क्यों करता हूँ? तुम सबके साथ मजाक करते हो इसलिए तुम परेशान हो डीजल। ये हंसने की बात नहीं है सर। हम पहुंचने वाले हैं, अब वापस नीचे उतरना है। ठीक है। तुम बुरी तरह थक गए होगे डीजल। मैं ठीक हूँ, मुझे तो बहुत मजा आया इसमें। तुमने हमारी बहुत मदद की है। जो प्रेजेंट्स तुम खींच कर लाए हो वो आज रात अच्छे बच्चों तक पहुँच जाएंगे। कितने किस्मत वाले हैं वो बच्चे जिन्हें ये तोहफे मिलेंगे। चलिए फिर मैं अपने घर जाता हूँ अब। ओ, ओ,
डीजल। वाह, सेंटा क्लॉस, तुम्हारी वजह से आज बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं। शुक्रिया और मेरी क्रिसमस डीजल। आपको भी सेंटा, मेरी क्रिसमस। डीजल वापस चूचू शहर आ रहा है। ओ, बर्फ गिरने लगी। जिस समय डीजल घर पहुंचा, मिस्टर हर्ब्स सो चुके थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। सब सो चुके हैं। मेरी क्रिसमस दोस्तों। पूरा दिन काम करने के बाद डीजल गहरी नींद में सो गया। चूचू टाउन में अगला दिन। डीजल, जल्दी से बाहर आओ। आपने किया मिस्टर? बहुत ही प्यारा। मैंने मैंने नहीं बनाया। गुड मॉर्निंग। डीजल, बहुत देर से जाके तुम, देखो वहाँ क्या है। क्या देखूं? ये क्या है? बच्चों के खिलौना ट्रेन का सेट। वाह, कितना अच्छा है। किसने बनाया इसे? सवाल तो यही है। हो सकता है सांता ने हमारे लिए बनाया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये खिलौने वाली ट्रेन का सेट डीजल और छोटी रेलगाड़ियों के लिए एक खास तोहफा है। सभी को मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। मिशन चूचू टाउन को बचाने का। आज टीटी पो चेकअप करवा रहा है। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ टूटते तारे देखने जा सकता हूँ? बिल्कुल, जाओ मस्ती करो टीटी पो, मजा आएगा। एक बात पूछनी थी, क्या टूटते तारे सच में धरती पर गिरते हैं? ज्यादातर तो खत्म हो जाते हैं, कुछ जमीन से भी टकराते हैं। अगर एक बड़ा वाला चूचू टाउन पर गिर गया तो क्या होगा? देखो, गिर तो सकता है लेकिन उसकी उम्मीद ना के बराबर है। शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। जीनी, डीजल, अब तक वापस नहीं आए, घर पहुंचकर उनका इंतजार करता हूँ। टीटी पो, इसी समय ऑडिटोरियम में पहुंचो। ठीक है। मिस्टर हर्ब, ओ टीओ। अच्छा, तुम आ गए। तुम्हें भी बुलाया है डीजल? हाँ, लगता है कोई जरूरी बात है। ओ, ओ मिस्टर हर्ब को देखो, टीओ को भी, दोनों की यूनिफॉर्म आज अलग है। असल में टीओ और मैं चूचू शहर के खुफिया एजेंट्स हैं। और तुम दोनों खुफिया ट्रेन एजेंट्स हो? क्या, खुफिया एजेंट्स? हम चूचू शहर को बचाने वाली स्पेशल फोर्स हैं। वाह, क्या बात है। विश्वास नहीं हो रहा, मैं खुफिया ट्रेन एजेंट हूँ। ध्यान दो, तुम्हें एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा करना है। एक महत्वपूर्ण मिशन? देखो। ये जो बड़ा उल्का है, ये तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। लगता है ये टकराएगा ठीक इस जगह। ये तो चूचू शहर है। ये तो बहुत बुरा होगा। अगर ये टकराया तो चूचू टाउन हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या? ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जल्दी कुछ करना होगा, चलो चले। हाँ, लेकिन रुको, हम अंतरिक्ष में कैसे जाएंगे? हाँ ठीक कहा, हम उड़कर तो नहीं जा सकते हैं। हम लोग इस बारे में पहले से ही सोच चुके हैं। ओ? ओ?
बदलाव पूरा हुआ, रॉकेट बन गए हम। सिर्फ खुफिया रेल एजेंट्स के पास ही इस तरह के विशेष उड़ने वाले उपकरण हैं। अब बिना परेशानी के अंतरिक्ष में जा सकते हैं। हम मिशन के लिए तैयार हैं अब। जरा रुको, मिशन में कामयाब होने के लिए तुम्हें एक और चीज चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे बम हैं जो उल्का को तबाह कर देंगे। इससे पहले कि उल्का पिंड चूचू शहर के नजदीक आए, तुम्हें उसे अंतरिक्ष में विस्फोट से उड़ा देना होगा। जी सर। खुफिया रेल एजेंट्स, क्या तुम दोनों तैयार हो? तैयार है। हमारे शहर का भविष्य तुम्हारे ऊपर है। जी सर। डीजल, टीटीपो, आओ चले। हम अंतरिक्ष में पहुंच गए डीजल। मजा आ रहा है। जल्दी चलो, समय बहुत कम है, हमें उल्का के पास पहुंचना है। अरे हाँ, ठीक कहते हो तुम। आओ। आ, आओ। ओ, ये सब क्या है? अरे नहीं, ये तो उल्का पिंड है। ध्यान से। हम उनसे बच गए। जबरदस्त सीक्रेट एजेंट हैं हम। आ जाओ। डीजल, बचो। टिटीपो, टिटीपो, डीजल, बचो। टिटीपो, ठीक हो ना तुम? हाँ, बस थोड़ी खरोचे लगी। शुक्रिया दोस्त, तुम में कमाल की बहादुरी है। शुक्रिया। वो रहा उल्का पिंड। जितना सोचा था उससे ज्यादा तेजी से आ रहा है ये। चलो आओ चलते हैं। मेरे इंजन में कुछ हो रहा है। शायद खराब हो गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक है। चलो चले। बस थोड़ा सा और। डीजल, तुम ये कर सकते हो। हाँ, देखो मेरी ताकत। टीटीपो, पहुंच गए। हाँ, एक काम तो हुआ। ओ, हम पृथ्वी के बहुत पास हैं। हमें बॉम्ब लगा देना चाहिए। ठीक है। मैंने बॉम्ब लगा दिया। मैंने भी लगा दिया। टीटीपो, चलो घर वापस चलते हैं। ठीक है। आओ चले। ये आवाज कैसी आ रही है? अरे ये क्या, मेरा फ्यूल खत्म हो रहा है। अब क्या करें? मुझे खींचने में तुम्हारा ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल हो गया। बम बहुत जल्दी फटने वाला है। अब हम क्या करें? डीजल, मुझे छोड़कर तुम चले जाओ। क्या? मेरे बिना तुम्हारे पास उतना फ्यूल तो होगा कि तुम धरती पर पहुंच जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब जाओ, जल्दी करो डीजल, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपने दोस्त को छोड़ के कैसे जाऊं? मेरे प्यारे चूचू टाउन का ध्यान रखना डीजल। टीटीपो, टीटीपो, डीजल। ये तो फिक्स और लिफ्ट है।
पंप फटने वाला है। मुझे पता है, जल्दी से जुड़ जाओ। ठीक है। सब आपस में जुड़ चुके हैं। तो चलो। शाबाश दोस्तों, अब जल्दी से चूचू शहर चलते हैं। हाँ, ओ, लेकिन तुम्हें कैसे पता हमें मदद चाहिए? क्या तुम भी खुफिया एजेंट्स हो? हम दोनों बचाव दल के सीक्रेट एजेंट्स हैं। मिस्टर हब ने हमें बताया कि तुम दोनों मुसीबत में हो, इसलिए हम मदद को आ गए। क्या बात है, शुक्रिया दोस्तों। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुम दोनों ने ही शहर को बचाया है। ठीक कहा, तुम दोनों असली हीरो हो। सभी मुश्किलों से जूझ कर जा पहुँचे वो उल्का पर। हौसला दिखाया, उल्का उड़ाया। सुपर सीक्रेट एजेंसी फॉर डीजल। चिंता हो रही है, वो सब अभी तक नहीं लौटे। ओ, वो रहे टीटीपो और डीजल। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सुरक्षित वापस आ गए। डीजल, तुम हीरो हो। तुम अच्छे नहीं, सबसे अच्छे हो। टीटीपो, डीजल, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने चूचू शहर को बचा लिया। डीजल, हमने सचमुच कर दिखाया। ओ, आसमान की तरफ देखो। ये उसी उल्का के टुकड़े होंगे जिसे तुमने उड़ा दिया। कितने सुंदर है। टूटते हुए तारे। टीटीपो, टीटीपो। डीजल, चलो टूटते हुए तारे देखने चलें। तुम जल्दी करो। हाँ, लेकिन उन्हें अभी तो हमने देखा था। अरे तुम क्या फिर से सो गए थे टीटीपो? मैं सपना देख रहा था। डीजल, मेरे सपने में तुम और मैं खुफिया ट्रेन एजेंट्स थे। खुफिया ट्रेन एजेंट्स? हमने साथ मिलकर चूचू टाउन को बचाया था। वाह, सच में? वैसे तो ये एक सपना ही था, लेकिन डीजल और टीटीपो ने यहाँ भी कमाल कर दिया।